इसका कोई एंटिसिपेशन नहीं था और ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन और इंटेलिजेंस भी नहीं थी. और इस बार जैसा आपने खुद ही फरमाया, ये वाइड स्प्रेड था और इसमें एरियाज ऐसे इफेक्ट हुए जो एरियाज नॉर्मली इन द हिस्ट्री ऑफ अहमदाबाद कभी भी इफेक्ट नहीं हुए. लेकिन 11 बजते बजते शहर के कई हिस्सों से एक साथ वीएचपी के कार्यकर्ताओं के जुलूस निकलने की खबरें मिली और उसके बाद कोई दर्जन भर बस्तियों और कॉलोनियों से पथराव और आगजनी की खबरें आने लगी. देखते ही देखते सारे शहर में एक संप्रदाय की दुकानों को लूटा और जलाया जाना शुरू हो गया. जिस तरह से चुन चुन कर ये लूटपाट हुई, उससे ये बात साबित हुई कि दंगाई पूरी तैयारी करके आए थे, लेकिन सरकार उनकी तैयारियों को भांपने में नाकाम रही. करीब करीब 90% गुजरात का हिस्सा पूर्णतया शांति में है. जिन 10% इलाके में हुआ है उसमें भी ज्यादातर घटनाएं अहमदाबाद में घटी है. जो ये हवा फैलाई जा रही है हमारे विरोधियों के माध्यम से कि कोई एक्शन नहीं हो रहा है, मैं समझता हूं देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है. मुख्यमंत्री का दावा चाहे कुछ भी हो, लेकिन यहाँ कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब तक प्रशासन के पास नहीं है.